जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सलेंस फैमिली में। मैं हूँ रवि और 12वीं लेखा शास्त्र में साझेदारी का पुनर्गठन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिसमें त्याग व प्राप्ति अनुपात क्या होता है और इसका कैलकुलेशन, इसकी गणना कैसे की जाती है वो हम सीखने वाले हैं। दोस्तों त्याग और प्राप्ति अनुपात, त्याग मतलब होता है किसी के पक्ष में अपना अधिकार दे देना और प्राप्ति मतलब किसी का अधिकार अपने को प्राप्त हो जाना, बस वही वाली बात है। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। दोस्तों साझेदारी के पुनर्गठन में अलग अलग स्थितियां हमने देखी कि लाभ हानि अनुपात परिवर्तित हो जाने पे पुनर्गठन होता है, साझेदार के प्रवेश पे होता है, साझेदार की निवृत्ति पे होता है, मृत्यु पर होता है, एकीकरण पे होता है। तो इनमें से एक स्थिति हम उदाहरण लेंगे, क्योंकि त्याग प्राप्ति तो सभी स्थितियों में बनती है। तो हम एक स्थिति जब लाभ हानि परिवर्तित होता है रेशो, उस समय त्याग अनुपात प्राप्ति अनुपात कैलकुलेट करके देखेंगे। दोस्तों एक उदाहरण लेता हूं मैं। मान लिया जाए कि ए और बी ये 2:1 में साझेदार हैं। 2:1 मतलब क्या होता है, 2/3 और 1/3। अब 31 मार्च 2019 को अगर ये तय कर लें कि हमारा अनुपात जो होगा 1:1 होगा, मतलब कि हम बराबर बराबर के साझेदार होंगे, है ना, तो क्या होगा इसमें, प्राप्ति किसको है और त्याग किसको करना पड़ रहा है, मतलब कि किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है। यहां पर इसके लिए मैं एक उदाहरण से देखता हूं। दोस्तों मान लिया जाए कि जब पुराना रेशो था इनका, तब लाभ था इनका 600 रुपए, कि जब पुराना अनुपात था तो 2:1, तब लाभ हुआ मान लो 600 रुपए। तो अगर पुराने के आधार पर इसको बांटू मैं 2:1 में, तो ए को कितना मिलता है, 2:1 में बांटूंगा तो 3 के हिसाब से 200 × 2, ए को मिलेगा 400 रुपए और बी को मिलेगा 200। अगर यही 600 रुपए अब मतलब कि अनुपात परिवर्तित करने के बाद हो, तो अनुपात क्या हो गया अब 1:1, मतलब कि 300 मिल जाएगा ए को और 300 मिल जाएगा बी को। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अंतर कि यदि लाभ हो 600 रुपए, तो पुराने के आधार पर ए को मिलता है 400, बी को मिलता है 200 और नए के आधार पे ए को मिलता है 300 और बी को मिलता है 300, मतलब कि ए को अपना 100 रुपए का त्याग करना पड़ रहा है ना, मतलब 600 रुपए प्रॉफिट हो। पुराने अनुपात के हिसाब से बांटूंगा तो 400 मिलेगा ए को, नए के अनुपात के हिसाब से बांटूंगा तो 300। तो इसके लिए ए तैयार कैसे हो जाएगा, ए क्या बोलेगा, नहीं 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 रेशो चेंज नहीं करना, मुझे तो नुकसान हो रहा है। बी बोलेगा नहीं नहीं रेशो चेंज कर लो, मुझे फायदा हो रहा है, है ना। तो ये नुकसान फायदा वो ख्याति देकर भरेंगे। हालांकि हमें अभी यही कैलकुलेट करना है कितना नुकसान किसको हो रहा है। अब मैं यही उदाहरण से आपको बताता हूं, एक ही बात करते हैं इस उदाहरण में। एक ही यदि बात करूं तो ए को कितने का फायदा हो रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है। देखिए 400 पहले मिलते थे, अब नए के आधार पर बांटोगे तो 300 मिलेंगे, तो 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कैसे आया है 100 रुपए का नुकसान, 400 में से 300 गया तो आया 100। इसका मतलब पुराना इसको मिलता था पुराने अनुपात के आधार पर 400, नए अनुपात के आधार पर 300, तो त्याग कितना करना पड़ रहा है इसको, 100। तो मैं कह सकता हूं कि पुराना अनुपात ओल्ड माइनस नया अनुपात, सॉरी माइनस नया अनुपात न्यू बराबर त्याग, त्याग मतलब सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या हुआ, पुराना माइनस नया। अब एक बात तो तय है कि साझेदार ए और बी दोनों है, एक त्याग कर रहा है तो दूसरा डेफिनेटली नफा या प्राप्ति कर रहा होगा। बी के संबंध में बात करते हैं, ये बी, अब बी को इस उदाहरण में आप देखो तो पहले के अनुपात के हिसाब से बांटो तो 200 मिलता है, नए के हिसाब से बांटो तो 300, तो फायदा हो रहा है इसको 300, 100 रुपए का। कैसे हो रहा कि 300 अब मिल रहे हैं, 300 रुपए अब मिल रहे हैं, पहले कितना मिलता था 200 रुपए, तो 100 रुपए का इसको क्या है प्राप्ति, सॉरी 100 रुपए का क्या है इसको प्राप्ति, प्राप्ति भी लिख सकते हो और नफा भी लिख सकते हो, है ना। तो ये प्राप्ति कैसे आई कि भाई नया, नया मींस न्यू माइनस पुराना मतलब कि ओल्ड, अगर नए में से पुराना माइनस कर दिया जाए तो क्या आएगा प्राप्ति या कि गेनिंग रेशो, इसको गेन रेशो भी कहते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मूले निकल के आए दोस्तों, एक ओल्ड माइनस न्यू, पुराना माइनस नया बराबर त्याग मतलब कि सैक्रिफाइस,
और नया माइनस पुराना, न्यू माइनस ओल्ड बराबर गेन या प्राप्ति। तो अब इसको इस उदाहरण में देखते हैं कि ए और बी दो अनुपात एक में साझेदार थे, अब वो अनुपात चेंज कर लेते हैं एक अनुपात एक। तो त्याग और प्राप्ति किसकी कितनी, तो ए के लिए मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं। ए के लिए फॉर्मूला लगाया मैंने ओल्ड माइनस न्यू, पुराना माइनस नया। तो ए का पुराना कितना था, 2/3 है ना, और नया कितना है 1/2। ये 2/3 कैसे आया, 2 और 1 को जोड़ा 3, 3 दोनों के बटे में, या 1 और 1 को जोड़ा 2, 2 दोनों के बटे में। तो ए का पुराना था 2/3, नया है 1/2, तो यहां पर लघुत्तम आ जाता है 6। दोनों का गुणा करके ले सकते हो या कोई ऐसी संख्या हो तो लघुत्तम भी ले सकते हो। तो जब मैंने दोनों का गुणा करके लिया है तो 2 का गुणा 2 में किया 4, 3 का गुणा 1 में किया 3, तो 1/6 ये आ गया आपका त्याग अनुपात। किसका, ए का, ए ने त्याग किया है 1/6। अब मैं साफ कह दूं, अगर दो ही पार्टनर है, दो ही साझेदार है, एक ने त्याग किया है तो दूसरे ने प्राप्ति की, और जितना एक ने त्याग किया उतने ही दूसरे ने प्राप्ति की होगी। तो बी के लिए काम कर लेते हैं अपन। बी, बी के लिए फॉर्मूला लगाता हूं न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि इसने प्राप्ति की होगी डेफिनेटली। इसका न्यू क्या है, इसका न्यू मतलब कि नया है 1/2, तो नया माइनस पुराना, नया माइनस पुराना, ये है नफे का, नफा या प्राप्ति या गेन भी कह सकते हैं। तो नया था इसका 1/2, पुराना था इसका 1/3, 6, 3 - 2, तो 1/6 नफा। अगर आप न्यू माइनस ओल्ड लगा रहे हो और प्लस में आंसर आया, मतलब कि ये नफा है, प्राप्ति है। अब आप जब कैलकुलेट करने बैठोगे तो आपको तो पता नहीं होगा कि ये प्राप्ति है कि त्याग है, क्या है। जैसे मैं एक और उदाहरण लेता हूं, उसमें मैं दोनों प्रकार के सूत्र लगा के बताता हूं। ए भी मान लो साझेदार थे 3:2 में, अब वो डिसाइड करते हैं बराबर बराबर, ओके। अब आपको पता नहीं कौन नफा करेगा कौन त्याग करेगा, तो 3:2 मतलब 3/5, 2/5, 1:1 मतलब 1/2, 1/2। अब मैं ए के लिए मान लो लगा देता हूं सूत्र न्यू माइनस ओल्ड, ये तो काय का सूत्र है, गेन, नया माइनस पुराना बराबर क्या होता है, प्राप्ति। तो मैंने ए के लिए ये सूत्र लगाया, और नया ए का कितना है, नया है ए का 1/2, तो 1/2 रख दिया। माइनस पुराना कितना है 3/5, तो 3/5 रख दिया। अब मैं लघुत्तम ले रहा हूं, दोनों को इंटू किया 10, 5 × 5 - 6, माइनस का 1/6 आया, क्योंकि 5 छोटी संख्या है और 6 बड़ी संख्या है माइनस की, तो माइनस का 1/6। अब मैंने सूत्र लगाया था प्राप्ति का, और उत्तर काय में आया नेगेटिव, मतलब कि माइनस में, तो मैं इसको कहूंगा त्याग, कि ये भैया क्या है, हमारा सैक्रिफाइस है। अब मैं बी के लिए सूत्र लगाता हूं, अब मैंने बी के लिए भी उल्टा सूत्र लगा दिया, क्या, पुराना माइनस नया बराबर सैक्रिफाइस, या पुराना माइनस नया बराबर त्याग, ओके। ये सूत्र लगा देता हूं, बी का पुराना, बी का पुराना है 2/5 और नया है 1/2, तो 2/5 - 1/2, 10, 4 - 5, माइनस का 1/, यहां पर भी गलती से मैंने 6 कर दिया, यहां पर भी 1/10 था, क्योंकि 10 था ना नीचे, इसलिए तो 1/10। तो ये क्या आया, हमारा नफा। क्यों आया नफा, मैंने सूत्र तो सैक्रिफाइस त्याग का लगाया, लेकिन उत्तर क्या आया, उत्तर माइनस में आया, तो इसको मैं क्या कहूंगा, प्राप्ति या नफा कहूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो इसमें आपको सूत्र दोनों याद रखने हैं, कि सैक्रिफाइस मतलब त्याग, ओल्ड माइनस न्यू, गेन मतलब प्राप्ति, न्यू माइनस ओल्ड। अगर प्लस में आंसर आया, ये फॉर्मूला लगाया प्लस में आंसर आया, तो समझ लो त्यागी है, नहीं तो क्या है, गेन है, नफा है। और अगर ये फॉर्मूला लगाया और आंसर प्लस में आया, तो समझ लो गेन है, नहीं प्लस में आया तो क्या समझोगे, सैक्रिफाइस है। तो यहां पर दोस्तों हमने त्याग और प्राप्ति का अनुपात समझा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आसानी से आपको समझ आई होगी। यदि और भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा आपको। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।